हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल इजी कुक विथ रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट केक, और वो भी उसको बनाना इतना इजी है। चॉकलेट केक बनाएंगे हम बिना किसी चॉकलेट और बिना किसी व्हिप्ड क्रीम के। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और ये आप हमारा एक भी वीडियो आपके लिए मिस ना हो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। और सबसे पहले लिया है मैंने यहाँ पर एक बाउल, और यहाँ पर लिया है मैंने 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है। उसके बाद हमको लेना है यहाँ पर दही, और ये मेरा फ्रेश दही है। मैंने यहाँ पर 1/3 कप दही लिया है। और हम इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमको एक मिक्सर की हेल्प से मिक्स करना है। और उसके बाद लेना है हमको यहाँ पर चीनी। मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ली है, तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप एंड 2 टेबल स्पून चीनी ली है। अब हम अच्छे से इन तीनों चीजों को मिक्स कर लेंगे। हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं इसको अलग, और बढ़ते हैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट की तरफ। और यहाँ पर लिया है मैंने एक बाउल, उसमें लिया है मैंने 1 कप मैदा, और अगर ग्राम में देखें तो ये 160 ग्राम है। और यहाँ पर हमको छान लेनी है। और सेम छलनी में मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून सूजी, और ये मेरी बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो मिक्सर ग्राइंडर में डाल के उसको बारीक कर ले और फिर यहाँ पर यूज करें। इसको भी हमको छान लेना है। और सेम छल्ली में यहाँ पर लेना है हमको कोकोआ पाउडर। यहाँ पर मैंने कोकोआ पाउडर की क्वांटिटी 1/4 कप रखी है, और ग्राम में देखें तो ये 30 ग्राम है। और यहाँ पर हमको इसको भी अच्छे से छान लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है चॉकलेट पाउडर, थोड़ा सा चॉकलेटी फ्लेवर बढ़ाने के लिए, और ये पूरी तरह ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो ना डालें। और इसको भी हमने छान लिया है इसी में। और यहाँ पर हमारे जो भी जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट हैं उनको हमें अच्छे से मिक्स करना है। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, जो हमारी सारी चीजें अलग अलग ना दिखें। और इसके बाद हमें लेना है यहाँ पर जो हमने पेस्ट बनाकर रखा था दही और ऑयल का, वो हमें इसमें डाल लेना है। और धीरे धीरे हमें इसे मिक्स करना है। हमें इसमें इस तरीके से मिक्स करना है जो हमें इसमें एक भी लम्स ना रह जाए। जितना भी हमने पेस्ट लिया था वो हमें सारा डाल के और मिक्स करेंगे। और अभी हमें ये थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1 कप दूध। रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध है ये, और उसको भी हम इसी में अच्छे से मिलाएंगे।
आपको फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत हल्के हाथों से मिलाना है। हमें कुछ और कम लग रहा है इसलिए हम उसमें और डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पर हमें एक लम्स फ्री बैटर बना के रेडी रखना है। देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे लम्स फ्री बैटर बन के एकदम से रेडी हो गया है, एकदम फ्लफी, एक भी लम्स नहीं है। हमें इतना ही ठीक चाहिए, हमें ना ज्यादा पतला और ना ही ज्यादा गाढ़ा चाहिए इस जगह। अभी हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे। हमने यहाँ पर लिया एक केक टिन और उसको हमने अपने केक टिन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लें पहले। और उसके बाद मैंने लिया यहाँ पर एक बटर पेपर। आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इस पे मैदा से भी डस्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर बटर पेपर लिया है और बटर पेपर के ऊपर भी अच्छे से ऑयल लगा लेना है। यहाँ पे हमने रख लिया एक भगोनी प्री हीट होने के लिए। और यहाँ पे मैंने डाल लिया है ये हमारा रेगुलर यूज वाला नमक है, इसको हमने बार बार यूज किया है, इसका थोड़ा सा कलर इसलिए चेंज हो गया है। और ये जो नमक है हमको भगोने की तली में अच्छे से फैला लेना है। और आप यहाँ पर कोई कटोरी या स्टैंड कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर लेंगे हमें जो हमने बैटर हमने अपना रेडी करके रखा था उसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। नमक हमको फ्रेंड्स यहाँ पर 1 इंच ही लेना है जितना हमारी एक चुटकी में बनता है। और इन सबको मिक्स करने भिगोने के लिए थोड़ा हमने लिया है यहाँ पर दूध और हल्के हाथों से कट देते हुए यहाँ पर हमें मिक्स करना है। फ्रेंड्स आप एक बात का अच्छे से ध्यान रखें, यहाँ पर हमको ज्यादा नहीं फेंटना है, बस तो हमको थोड़े हल्के हाथों से मिक्स करना है। यहाँ पर हमारा बैटर है जो मिक्स हो चुका है। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमने लिया है 1 टीस्पून वनीला एसेंस और उसको भी हमको अपने बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर जो हमने अपना केक टिन रेडी करके रखा था उसमें हम अपना सारा बैटर ट्रांसफर कर लेंगे। और इसके एयर बबल्स ना आए इसमें इसलिए थोड़ा इसको टैप कर लेंगे 2-3 बार। और फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पर जो पतीला रखा हुआ था वो भी हमारा अच्छे से प्री हीट हो चुका है। हम अपने केक टिन को सेट कर देंगे, इसमें रख देंगे अच्छे से। आपको यहाँ पर बहुत संभाल के रखना है ताकि ये बहुत ज्यादा प्री हीट होता है, अच्छे से रख देना है। और इसको ढक के 25 to 30 मिनट के लिए छोड़ देना है। सीधा आपको 30 मिनट के बाद ही चेक करना है। मैंने यहाँ पे 30 मिनट के बाद चेक किया है, देखिए हमारी जो टूथपिक है एकदम से क्लीन निकल रही है। अगर आपकी थोड़ी सी इसमें बैटर लगा हुआ आ रहा है तो 5 मिनट के लिए आप थोड़ा सा और ढक के रख दें। और रख देंगे इसको थोड़ा साइड में ठंडा होने के लिए वहां से निकाल के। और तब तक हमारा जो केक है वो ठंडा हो रहा है। फिर उसकी फ्रॉस्टिंग के लिए हमने यहाँ पर ले लिया एक पैन और पैन में रख लिए एक छलनी। और यहाँ पर मैंने डाला है कोकोआ पाउडर 5 टेबल स्पून, और इसको हमें अच्छे से छान लेना है। यहाँ पे डालेंगे हम फ्रेंड्स 1/2 कप चीनी, पिसी हुई चीनी मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की है।
और उसको हमें अच्छे से छान लेना है। अब एक स्पून की हेल्प से हमें मिक्स करना है इसको अच्छे से। और यहाँ पर इसी के साथ मैंने लिया है 1 कप मिल्क और मिला लेना है हमें तीनों चीजों को मिल्क में। एक पतला सा यहाँ पे बैटर बना के रेडी रखना है। चॉकलेट सिरप हमारी देखिए इतनी पतली है और हमें अब पैन को रख देना है गैस पे और प्रॉपर चलाते हुए हमें पकाना है इसमें। देखिए हमारी फ्रेंड्स इतनी थिक हो चुकी है, हमें इतना ही थिक चाहिए। अगर आपको लग रहा है ज्यादा थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 स्पून बटर, हमें उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है इस यहाँ पे। और फ्रेंड्स देखिए हमारा चॉकलेट गनाश बनके यहाँ पर एकदम रेडी है, हमें इतना ही ठीक चाहिए। और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बाउल और बाउल में डाल दिया है 50 ग्राम बटर केक की फ्रॉस्टिंग के लिए। और हमें बटर को अच्छे से मिक्स करना है, हमें बटर यहाँ पर ठंडा ही लेना है। मैंने फ्रीजर में से निकाला और मिक्स किया। देखिए फ्रेंड्स हमारा मिक्स करते करते कितना फ्लफी हो गया है और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। हमको प्रॉपर यहाँ पे मिक्स करना है, चलाना है जब तक कि ये अच्छा सा फ्लफी ना हो जाए। और मैंने यहाँ पर लिए एक प्लेट, उसमें लिए आइस क्यूब्स और अपने जो बाउल बटर वाले बाउल को उसके ऊपर रख लेना है क्योंकि हमें इसका टेम्परेचर है वो कूल ही रखना है। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिया है पिसी हुई चीनी, मैंने यहाँ पर अभी 2 स्पून चीनी ली है। पाउडर शुगर हमें यहाँ पे एक साथ पाउडर शुगर नहीं मिलाना है, थोड़ा थोड़ा कर कर ही मिलाना है। वो यहाँ पर पूरी तरह के तरीके से बनकर रेडी है। अब हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए साइड में। और जो हमारा केक था तब तक यहाँ पर हो चुका है ठंडा। अब अपने केक को एक नाइफ की हेल्प से घुमाते हुए इसको निकाल लेना है। आपको चारों तरफ से नाइफ की हेल्प से गोल गोल घुमाते हुए ही निकालना है। आप किसी प्लेट या थाली में इसको निकालिए। और जो हमारा जो हमने बटर पेपर लगाया था इस पे वो हमें रिमूव कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर केक कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है। जो हमारा ऊपर का इसका हिस्सा था जो थोड़ा सा बिखरा हुआ दिख रहा था वो हमें यहाँ पे हटा देना है। क्योंकि हम जो इसमें शुगर सिरप लगाएंगे तो वो हमारी अच्छे से अब एब्जॉर्ब होनी चाहिए, इसलिए हमें ऊपर का हिस्सा हटाना है। और अब हम अपने केक को 2 भागों में अच्छे से डिवाइड कर लेंगे, बीच में से कट लगाएंगे और गोल गोल घुमाते हुए काट लेंगे अपने केक को। देखिए फ्रेंड्स कट चुका है हमारा ये केक। अब मैंने यहाँ पर लिया है शुगर सिरप, तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच चीनी को पानी में मिक्स कर लिया था और यहाँ पर वो हमें यहाँ पर यूज करनी है, मॉइस्चराइज करना है अपने केक को अच्छे से, हमें यहाँ पे लगा लेनी है। और जो फ्रेंड्स हमने जो चॉकलेट गनाश बनाया था वो भी हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम अपने केक में पूरी तरह अच्छे से फैला लेंगे। आपको पूरे केक के ऊपर अच्छे से फैला लेना है और एक तार मिक्स कर लेना है।
आप एक चाकू की हेल्प से या स्पून की हेल्प से पूरे में लगा लीजिए। जो हमारा दूसरा वाला हिस्सा था वो भी हम अब यहाँ पे लगा लेंगे। और हम इसमें भी लगाएंगे अपनी शुगर सिरप जो हमने बना के रेडी रखी थी। अच्छे से चारों तरफ हमको ये शुगर सिरप फैला लेनी है इसके। अब जो हमारा जो चॉकलेट गनाश है वो हमको इस पे लगा लेना है अच्छे से। आपको इस तरीके से लगाना है कि जो हमारा केक है चारों तरफ से कोट हो जाए और पूरी अच्छी तरीके से ढक जाए चॉकलेट गनाश से। और हम यहाँ पे एक तार करते हुए लगाएंगे। आपको किनारे पे भी साइड पे भी लगा लेना है बिल्कुल अच्छे से। जो इसकी थोड़ी सी किनारी है जो उभर आती है वो हमको बराबर कर लेनी है। हमारा यहाँ पे चॉकलेट गनाश लग के रेडी है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे फ्रिज में ताकि ये मेल्टी मेल्टी ना हो। अब जो हमारा बटर जो हमने लिया था उसको उसी में हम डाल लेंगे ये चॉकलेट गनाश हमारा बचा हुआ। अब हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक हमारा अच्छे से फ्लफी और स्टिफ बनने वाला ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 15 से 20 मिनट के बाद देखिए ऐसा हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है तो हमने और फेंटा था थोड़ी देर के लिए। तो देखिए हमारा इस तरीके का बन के एकदम रेडी है फ्रॉस्टिंग के लिए। अब यहाँ पर लिया है मैंने स्टार नोजल छोटी साइज का और उसमें हमने भर लिया है अपना। जो हमारा पाइपिंग बैग है उसको हमें ग्लास में रख के अच्छे से उसमें जो हमारा बैटर है उसमें भर लेना है। जो हमारी जो हमने बटर से क्रीम बनाई हुई है भर के अब हम इसमें डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। आप अपनी मनपसंद की कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ्लावर डिजाइन दी हुई है। आप अच्छे से फ्लावर आपको जो भी डिजाइन पसंद हो आप वो बना लें। और थोड़ा नीचे की साइड से भी हम इसमें डिजाइन दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी डिजाइन बन के रेडी है। अब हम उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर ग्रेट किया हुआ चॉकलेट। हमने चॉकलेट को कद्दूकस कर लिया था और उसके बाद हमने थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए डाल दिया है अपने केक के ऊपर। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं शुगर बॉल्स और इनको भी थोड़ा सा सजा देंगे हम अपने केक के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स हमारा फाइनली केक बन के रेडी हो चुका है चॉकलेट चॉकलेट केक। और देखिए अब हम आपको दिखाते हैं ये कट करके कितना अच्छा हमारा बन के रेडी हुआ है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दी हुई बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय टेक केयर।